हेलो गाइस, व्हाट्सअप, आप सबका स्वागत है हमारा इस एजुकेशन चैनल में। ये देखिए कितनी शानदार बात बोली गई है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा कि इफ़ यू सेल्यूट योर ड्यूटी यू नो नीड टू सेल्यूट एनीबॉडी, बट इफ़ यू पोल्यूट योर ड्यूटी यू हैव टू सेल्यूट एवरीबॉडी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी ड्यूटी को सही से निभाएंगे तो आपको दुनिया में किसी के सामने सेल्यूट नहीं करना पड़ेगा। मीन्स अगर आप अभी शानदार तरीके से पढ़ाई करोगे तो आप भी एक दिन पढ़ लिख कर कुछ बड़े बनोगे और आपको दुनिया सलाम करेगी। नहीं तो अगर आप अपनी ड्यूटी को सही से नहीं निभाएंगे, ड्यूटी को जैसे कि पढ़ाई करना आपका ड्यूटी है, अगर आप अभी सही ढंग से पढ़ाई नहीं करोगे, सही से पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे चल के आपको दुनिया के सामने सैल्यूट करना पड़ेगा और दुनिया के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए शानदार तरीके से पढ़ाई करना है, चलते हैं आगे, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन चैप्टर, है ना, पॉलिटी क्लास 9th के चैप्टर नंबर 5 है ना, इसमें इसको शानदार तरीके से पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले इसमें हमें क्या पढ़ना है, कंटेंट। कंटेंट का मतलब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, है ना। फिर देन उसके बाद हम लोग मंडल कमीशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है मंडल कमीशन, है ना। और फिर ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम, फिर पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे और फिर जुडिशियरी के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। चलते हैं आगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में इंस्टीट्यूशंस, है ना, को हम तीन भागों में बांटते हैं। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, कि इसके वैलिड, किसने इसे सबसे पहले वैलिडिटी के हिसाब से हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं कि इसको कहाँ पे लिखा गया है, ये कब आया है, ये बॉडी कब बना है, है ना। जैसे कि मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर यूपीएससी मतलब इसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये क्या करती है, ये एक बॉडी है, इसमें कुछ लोग हैं, चेयरमैन है, है ना। ये क्या करती है, हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। कौन एग्ज़ाम? जो ऑल इंडिया लेवल का जो भी एग्ज़ाम्स है, आप सुने होंगे IAS की या फिर IPS की एग्ज़ाम्स, या फिर आप सुने होंगे IFS की, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसमें कलेक्टर और DM बनते हैं, है ना। इसमें IPS इंडियन पुलिस सर्विस, आप लोग बहुत जानते हैं, सलमान खान का दबंग मूवी देखे होंगे, है ना। इसमें IFS इंडियन फॉरेन सर्विस, है ना, या फिर फॉरेस्ट सर्विस, जो भी हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में या फिर फॉरेन में जो हमारे एम्बेसडर होते हैं, इन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके ये बनते हैं, है ना। तो डिफरेंट एग्ज़ाम लेती है ये बॉडी। ये कब आई है? ये हमारे देश का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसी समय, है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, है ना। तो इसीलिए इसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। दूसरा क्या है, स्टेचुटरी बॉडी क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं था लेकिन बाद में ऐसा लगा कि हमें इसकी ज़रूरत है। जैसे एग्जांपल के तौर पर सीपीसीबी का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। मतलब ये एक ऐसा बॉडी है कि जैसे जैसे बाद में, उस समय तो पॉल्यूशन का उतना बड़ा कंसर्न नहीं था लेकिन बाद में पॉल्यूशन बढ़ते चले गया, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, तो उसको कंट्रोल करना है। अगर कोई मान लो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रहा है, कोई फैक्ट्री खोल रहा है, गंगा को बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रहा है, गंगा को बर्बाद कर रहा है, तो उस पर कोई टैक्स होना चाहिए, उसको लगाम कसने वाला कोई तो होना चाहिए। अगर मान लो कोई नहीं बताया तो सब अपने मन मर्जी का करते रहेगा, पॉल्यूशन फैलाते रहेगा। इसीलिए हमारे गवर्नमेंट को लगा कि भाई एक कोई बॉडी होना चाहिए ताकि इनका अच्छे तरीके से देखभाल कर सके, अगर कोई पॉल्यूशन फैला रहा है तो उनको डांट सके, है ना। समझ में आया? अगर नहीं आया तो फिर से आप वीडियो को पॉज करो और पीछे करो और फिर से इसे सुनो। फिर से बता रहा हूँ कि जो सेंट्रल, है ना, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसका काम ये है कि कोई अगर पॉल्यूशन फैला रहा है तो उसको क्या करना, फटकार लगाना, है ना, उसको बुला करके जल्दी से जल्दी सुलझाना। क्योंकि आपको पता है अगर ये बात, पॉल्यूशन वाली बात भी अगर कोर्ट में जाने लगा, देन क्या होगा, कोर्ट में इतने सारे केस पेंडिंग पड़े हैं कि उनको तो सुलझा नहीं पा रहे हैं, इनको कैसे सुलझा लेंगे। इसीलिए ये एक बॉडी बनाया गया है समय के हिसाब से। और हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं ये बॉडी, हम लोग आगे का वीडियो में देखेंगे। चलो अगला चलते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब हो गया कि ये ना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था, ना तो कोई, है ना, पार्लियामेंट में पास हुआ था। पार्लियामेंट में कैसे पास होता है ये हम लोग आगे वीडियो देखेंगे, लोकसभा से प्लस राज्यसभा से प्लस प्रेसिडेंट जब असेंट देता है, सिग्नेचर करता है, तब कोई कानून बनता है। ये कैसे होता है हम लोग आगे का वीडियो में देखेंगे, अभी फिलहाल देखते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में, ना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ना तो इसे, है ना, स्टेचुटरी द्वारा मतलब कानून के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पास किया गया है, बल्कि इसे कैसे बनाया गया है, इसे जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होते हैं, जैसे हमारे अभी PM है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके साथ है बहुत सारे जो फेमस 60 से लगभग 80 ऐसे मिनिस्टर्स हैं
है ना, जो हमेशा प्राइम मिनिस्टर के साथ रहते हैं। जैसे आप भी सुनते होंगे न्यूज़ में, जैसे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज, और डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, या फिर रेलवे मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल। ये सारे कुछ 60 से 80 के बीच मिनिस्टर्स ऐसे होते हैं जिसे हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इन्होंने क्या किया, ऑर्डर दिया और फिर बना दिया एक बॉडी, नीति आयोग। नीति आयोग का काम क्या है, आप मतलब इनको पढ़ना नहीं है, हायर क्लास में पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। नीति आयोग का काम यह है कि हमारे देश में ग्राउंड लेवल पर, जैसे गांव में क्या चाहिए, गांव में रोड चाहिए, या फिर गांव में नाला चाहिए बनाना है, या फिर कहीं पे कोई मतलब लेटरिन बनाना है, टॉयलेट बनाना है, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत, मतलब इनका मतलब ये देखभाल, मतलब सबसे पहले क्या करती है, एक प्लानिंग करती है, और प्लान करने के बाद गवर्नमेंट को देती है कि यहाँ इसकी ज़रूरत है, फिर गवर्नमेंट उसके हिसाब से काम करती है। ओके, चलो आगे चलते हैं। फिर हम इंस्टीट्यूशन को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, एक लेजिस्लेचर बॉडी, और एक जुडिशियरी, है ना। किस बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे, काम के हिसाब से इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हम लोगों को क्या पढ़ना था, इंस्टीट्यूशंस, कि हमारे देश में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं। सबसे पहले हमने, है ना, वैलिडिटी के हिसाब से देखा है उनका कि 3 टाइप होते हैं, फिर उसके फंक्शंस के हिसाब से भी 3 टाइप होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी। तो क्या होता है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर क्या होता है, हमारा एक बॉडी होता है, हमारा पार्लियामेंट में, लोकसभा प्लस राज्यसभा में एक मतलब बॉडी होती है जो हमेशा क्या बनाती है, लॉ बनाती है, कानून बनाती है, और कानून बनाने के बाद कानून को लागू करना किसका काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है। और अगर मान लेते हैं कोई कानून लेजिस्लेचर बनाया, और फिर क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है किन के बीच, जनता के बीच। मान लो इन्होंने बनाया कानून और इन्होंने अप्लाई कर दिया, और अप्लाई किस पर करेगा, जनता पर, पीपल ऑफ इंडिया पर, जो हमारे इंडिया के जो लोग हैं उन पर। अगर लोग भड़क जाता है, लोग गुस्सा में आ जाता है, लोग सड़कों पे आ जाता है, लोग सरकार के खिलाफ आ जाता है, देन इसको सुलझाने वाला तो कोई होना चाहिए। जैसे घरों में हमारे, अगर हम दोनों भाई बहन लड़ जाते हैं, या फिर हम दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, तो कौन सुलझाता है, पापा या मम्मी। तो ऐसे ही सबसे ऊपर एक बॉडी होना चाहिए जो जनता, क्योंकि ये सारे कानून किसके लिए बनाएगा, जानवर के लिए भी बनाते हैं, लेकिन मैक्सिमम किसके लिए बनाते हैं, इंसान के लिए ही बनाते हैं, है ना। तो क्या करना है, जो ये कानून इंसान के लिए बनाते हैं, जो जहाँ पे लोग रहते हैं, जैसे इंडिया में हम लोग हैं, तो हम लोग के लिए कानून बनाया। अब यहाँ पे जो हम लोग हैं, तो जैसे हम लोग हैं, तो कानून अगर मान लो हमारे पर सूटेबल नहीं है, सरकार अपने मनमर्जी कर रहा है, तो हम किसके पास जाएंगे, इन्होंने कानून बनाया दिया, तो इसीलिए हम किसके पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने एक बनाया था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एक बॉडी बनाया। इस बॉडी का काम क्या है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक बॉडी बनाया। इस बॉडी का काम क्या है, इनका काम यह है कि पूरे देश में कौन कौन से लोग गरीब है, है ना, कौन कौन से लोग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनको देखना और उसे चुनना, है ना, और उसे रिजर्वेशन देने का काम है। एक बिल लाया था हमारे गवर्नमेंट ने, है ना, 2017 में बीजेपी गवर्नमेंट 2017 में एक बिल लाई, और ये बिल, है ना, 2018 में पास हो गया, और इसे दे दिया है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये बिल थी, और बिल जब पार्लियामेंट से पास हो जाता है तो ये बन जाता है एक्ट। क्या बन जाता है, एक्ट, मतलब, लेकिन एक्ट ऐसा बना जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया है, इसे बोलते हैं 123rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है इस बॉडी के बारे में। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये हायर क्लास में पढ़ना है, जो यूपीएससी की तैयारी करता है, एसएससी की तैयारी करता है, उनके लिए फ़ायदा पहुंचाएगा। लेकिन अगर छोटे क्लास के बच्चे, क्लास 9 के बच्चे, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये आगे के लेक्चर में काफ़ी अच्छे से क्लियर करूँगा, है ना। तो आप वीडियो देखते रहे, आगे समझ में आते जाएगा, घबराने की बात नहीं है, आगे क्लास में पढ़ आपको समझ में आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अब आगे हम देखते हैं हमारा जो एनसीईआरटी का बुक में मंडल कमीशन के बारे में दिया है ना, तो मंडल कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। मंडल कमीशन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 16 है, जो फंडामेंटल राइट का एक आर्टिकल है, इस फंडामेंटल राइट में, इस आर्टिकल में कहा गया है कि जो भी गवर्नमेंट का जॉब है ना, अगर गवर्नमेंट का कोई भी जॉब है, हमारे जो भारत सरकार गवर्नमेंट का कोई भी वैकेंसी निकालती है, उस वैकेंसी में जो हमारे देश के सभी सिटीजन्स को, ऑल सिटीजन्स को, है ना,
इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है। मतलब ये है कि अगर मान लो कि BHL में वैकेंसी निकला, या फिर कहीं पे मान लेते हैं कि कोई सरकारी, मान लो कि आईएएस का 100 सीट्स का वैकेंसी निकला, इसमें भर्ती करना है ना। तो अगर इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि आप जो है ना हिंदू है, या तो इसीलिए आपको नहीं मिलेगा, या तो फिर आप मुस्लिम्स है इसीलिए आपको नहीं मिलेगा, या तो फिर आप सिख है, या तो फिर है ना आप दूसरे जैन है इसलिए नहीं मिलेगा। नहीं, हमारे देश में है ना बिल्कुल मना है। इस आर्टिकल में कहा गया है कि अगर कोई वैकेंसी निकलता है गवर्नमेंट का जॉब के लिए, तो किसी को आप डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है कि किसी को आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किस बेसिस पर? ओनली आप ध्यान से सुनना, ओनली रिलीजन के बेसिस पर, कि आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इस बेसिस पर। रेस की कोई अच्छा है कोई बुरा है ना, कोई आगे है कोई आगे जात का है कोई पीछे जात का है, इस हिसाब से नहीं। या फिर कास्ट के बेसिस पे, कि आप इस कास्ट के हो इसीलिए मिलेगा, इस कास्ट के हो, या फिर सेक्स के हिसाब से कि आप मेल हो तो मिलेगा, फीमेल है तो मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। डिसेंट के हिसाब से है ना, कि आप बहुत दिनों से हम यहाँ रहते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज यहाँ के हैं। या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, कि कोई अगर अच्छी जगह पर बर्थ हुआ, कि हम दिल्ली वाले हैं या तो फिर हम मुंबई वाले हैं, इसीलिए हमें पहले जॉब मिलेगा आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कर सकते। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 16 में बिल्कुल मना किया है कि हम किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट का जॉब है उसमें 100% हर कोई, चाहे कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी रेस का हो, कोई भी कास्ट का हो है ना, कोई भी सेक्स का हो, कोई भी डिसेंट का हो, कोई भी कहीं भी जन्म लेने वाला हो, पूरे हमारे भारत में उनको है ना बराबर जॉब में अगर कोई क्वालिफाई करता है, अगर क्वालिफाइंग मार्क्स 100 का, अगर 100 मार्क्स का एग्जाम्स होता है, इसमें से अगर 90 मार्क्स कोई लाता है तो उसे जॉब मिलेगा। तो 90 मार्क्स लाने वाला चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी रेस का हो, कोई भी कहीं का भी जन्म लेने वाला हो, लेकिन बस इंडिया का हो, देन उसे जॉब मिलेगा है ना। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे आप ध्यान देना, ओनली कौन सा शब्द किया गया है, ओनली, यही खेल खेलेगा। ओनली का मतलब सिर्फ रिलीजन, सिर्फ रेस, सिर्फ कास्ट, सिर्फ सेक्स, सिर्फ डिसेंट, इसके बेसिस पे तो हम नहीं कर सकते, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, इसके बेसिस पे तो हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन लेकिन लेकिन